करते हैं वाइट ओक कैपिटल के सीईओ आशीष सुमाया के साथ, जो हमसे आज बात करने के लिए जुड़ रहे हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग। बाजार का जैसे कहते हैं माहौल भी थोड़ा सा सुधर तो गया, ये काफ़ी हार्ट बीट्स जो हैं गड़बड़ हो गई थी, 1700-1800 तक पहुंच गया था, तो लोग पोर्टफोलियो को बहुत क्लोजली देख रहे थे। बाहर भी मौसम बहुत बढ़िया है और वीकेंड भी है। आशीष, आपने महिंद्रा की लास्ट गाड़ी काफ़ी अप्रिशिएट की थी। महिंद्रा ने कल एक नई गाड़ी लॉन्च करी है और एटलीस्ट अनाउंस की है, बतिस्ता उनकी इलेक्ट्रिक व्हीकल, उस पर भी आप मूड बना रहे हैं? आई थिंक इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑफ रोडिंग के लिए तो सूट नहीं करेगा, जहां तक मुझे समझ में आता है। तो वो ऑफ रोडिंग स्पेसिफिक व्यू था। इलेक्ट्रिक डेफिनेटली आई थिंक इट्स दी फ्यूचर है उसी में। सो हर एक को अपने मेरिट पे देखना पड़ेगा, ट्राई जरूर करेंगे। ऑफ रोडिंग हो गई एकदम लास्ट 1.5-2 हफ्ते में, काफी जबरदस्त। आपका कैसा ऑब्जर्वेशन था, जो फैक्टर्स बाजार को एक करेक्टिव फेज में लेके गए थे? मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी हद तक जो मार्केट का करेक्शन है, या फर्ज कीजिए कुछ कुछ सेक्टर्स में जो वीकनेस है, हम लोगों को ये ध्यान देना चाहिए कि क्या ये वीकनेस है वो स्पेसिफिकली इंडिया को लेकर के है या ये ग्लोबल फैक्टर्स के लिए है। और जो मुझे समझ में आता है, जैसे FIIs की कंटिन्यूस बिकवाली है, तो ये केवल इंडिया को लेकर के नहीं है, ये मोर और लेस जिसको आप बोल सकते हैं ग्लोबली एक रिस्क ऑफ तरीके का ट्रेड होता है। तो फर्ज कीजिए ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट्स फंड, एशियन इक्विटी फंड, ब्रिक्स फंड, ये इस तरीके के जो फंड्स हैं जिसमें इंडिया का एक मामूली सा एक्सपोजर है, फर्ज कीजिए कहीं पे 5%, कहीं पे 10%। तो जब इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकलता है तब इंडिया से पैसा निकलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऑटोमेटिकली किसी का इंडिया के ऊपर नेगेटिव व्यू बन जाए। जिन ग्लोबल इन्वेस्टर्स से या फॉरेन इन्वेस्टर्स से जो भी हमको मौका मिलता है बात करने का, ज्यादातर हमारा ऐसा मानना है कि सब लोग इंडिया में एलोकेशन की तरफ देख रहे हैं और पॉजिटिव व्यू इंडिया को, इंडिया के बारे में पॉजिटिव व्यू रखते हैं ज्यादातर लोग। जी बिल्कुल। आशीष, ये भी बताइए कि जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत करेक्शन हमने देखा भी, अब उस समय जो लो लग रहा था कि शायद बनेगा 1600-1800, वहाँ से बाजार ने रिकवर भी कर लिया, लेकिन अब यहाँ से लेकर एटलीस्ट फरवरी तक, एक बीच में ऑब्वियसली क्वार्टरली अर्निंग्स का ट्रिगर आएगा जनवरी में, लेकिन जो न्यूज़ फ्लो है ना वो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल रहेगा और शायद बजट पर भी हो सकता है इसके एक इम्प्रिंट देखने को मिले, थोड़े से पॉपुलिस्ट मूड की, जो कि लग रहा है इस समय थोड़ा बहुत फ्रॉम द रूलिंग पार्टीज। ऐसे में क्या करना चाहिए मार्केट में, बिकॉज हो सकता है वॉलेटिलिटी बनी रहे इसके चलते? सी, काफ़ी सारी चीज़ें जो हम बोल रहे हैं, जैसे हम लोग पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करते हैं, पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो ये सब चीज़ों के बारे में, इन सब चीज़ों को फॉलो करना, इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान रखना, ये डेफिनेटली हमारा काम है। लेकिन ये सब डेवलपमेंट्स के चलते हम पैसा बनाने की ट्राई नहीं करते हैं कभी, क्योंकि ये कॉइन टॉस की तरह है। अगर हम ये सोचते हैं कि इस तरीके का नतीजा आएगा और इस तरीके का बजट आएगा, तो व्हाट इज़ द चांस कि आप सही रहेंगे, 50% चांस है, कॉइन फ्लिप की तरह है, कभी कभी हेड्स आएगा, कभी टेल्स आएगा। सो हम लोग क्या करते हैं कि पोर्टफोलियो को हमेशा बैलेंस्ड रखते हैं, जैसे कि डिफेंसिव भी नहीं रखते, एग्रेसिव भी नहीं रखते हैं, और इस तरीके की चीज़ों के ऊपर बेट नहीं करते हैं। लेकिन जहाँ तक आपका सवाल है कि आगे जाकर के माहौल किस तरीके का रहेगा, मुझे ऐसा लगता है कि जो मेन चीज़ जो मार्केट को ड्राइव कर रही है, वो क्लियरली एक इम्प्रूव्ड, जिसको हम बोलते हैं नई इकोनॉमिक साइकिल की शुरुआत है। हर तरीके की रिकवरी हमको देखने को मिल रही है, मल्टीपल सेक्टर्स में आप देखिए रिकवरी देखने को मिल रही है। डेफिनेटली इलेक्शंस हैं, उसको लेकर के एक पॉपुलिस्ट सेंटिमेंट होता है, बट ये कोई नई चीज़ नहीं है। ये मार्केट हमेशा अगर कोई सरप्राइज होता है तो रिएक्ट करती है, लेकिन इसमें कोई अननोन नहीं है, ये जाहिर सी बात है सबको पता है। तो इसकी वजह से कुछ टेम्पररली कुछ ऊंच नीचे या टेम्पररली कोई मूवमेंट्स हो सकती है, बट मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई ज़्यादा लंबा असर रहेगा मार्केट के ऊपर। दूसरी बात यह है कि हमने बहुत बार हिस्टोरिकली ये देख लिया कि स्टेट इलेक्शंस और सेंट्रल इलेक्शंस में वोटिंग पैटर्न्स अलग होते हैं, तो आमतौर पर स्टेट इलेक्शंस को देख करके काफ़ी इंटरेस्ट बनता है, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है कि स्टेट इलेक्शंस का इम्पैक्ट सेंट्रल इलेक्शन पे आ जाए या उसके ऊपर हम कोई व्यू बना सके। तो हमारी सलाह यही है कि इन सब चीज़ों के ऊपर व्यू बना के पोर्टफोलियो को चेंज करना या पोजीशन करना, ये खतरे से खाली नहीं है। अंडरलाइंग ट्रेंड जो है या अंडरलाइंग करंट जो है,
इकोनॉमी को लेकर के, कॉरपोरेट परफॉर्मेंस को लेकर के, ये काफ़ी पॉजिटिव है। और जैसे अभी हमको 10% मतलब 18,700 से लेकर के, जैसे आपने बताया 16,800, बहुत बड़ा करेक्शन मिला, मोर देन 10%। और जिन लोगों से मैं बात करता हूँ या जो हमारे पोर्टफोलियोज में पैसा लगाते हैं, बहुत सारे लोग कैश में हैं, ये सोच करके जब करेक्शन आएगा तो पैसा लगाएंगे। तो हमारा मानना ये है कि हर एक करेक्शन को मौके की तरह देखा जाए और एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से ग्रेजुअली इन्वेस्ट किया जाए। आशीष, आपने इकोनॉमिक रिकवरी की बात की, जो इधर लेटली जो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स आए हैं, चाहे वो जीएसटी के हों, जीडीपी ऑफ कोर्स स्ट्रांग था लेकिन बैकवर्ड लुकिंग है, बट अदरवाइज भी जो डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं, इनफैक्ट जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, उन्होंने कल एक ईटी के एडिट पेज में नोट लिखा कि इंडिया का पोटेंशियल 7%+ फॉर अ डेकेड भी हो सकता है। आज 11 बजे निकुंज के साथ वो बातचीत भी करेंगे उसके बारे में। अगर इंडीड हम उसकी विसिनिटी में भी फॉर अ 10-ईयर पीरियड, अगर डेकेडल 6.5 7 पॉइंट के आसपास भी हम रहते हैं अगर, तो ये बैलेंस पोर्टफोलियोज को अगर जो आदमी 10 साल तक इन्वेस्टर होल्ड करके रखे, कितना वेल्थ क्रिएट कर सकता है, ऐसा क्या पोटेंशियल है? ये अच्छा आपने पूछा कि लॉन्ग टर्म की बात करी आपने और जीडीपी को जोड़ के आप बात कर रहे हैं, तो अजय आपने भी देखा होगा कि पिछले 25-30 साल का अगर आप डेटा देखते हैं तो यही समझ में आता है कि अगर आप नॉमिनल जीडीपी, जैसे आपने बोला कि 6.5-7.5% की जीडीपी ग्रोथ हो सकती है, उस पर 5-5.5% आप इन्फ्लेशन जोड़ दीजिए, तो समझ में ये आता है कि करीब करीब 11-12% की नॉमिनल जीडीपी की ग्रोथ हो सकती है। और 25-30 साल का डेटा यही दिखाता है कि जितनी नॉमिनल जीडीपी की ग्रोथ होती है उतनी ही इंडेक्स की जो कंपनियां हैं उसकी अर्निंग्स ग्रोथ होती है, और अल्टीमेटली उतना ही इंडेक्स का भी ग्रोथ होता है। क्योंकि हम लोग स्टॉक पिकर हैं और हमारा मैंडेट ये है कि इंडेक्स को अच्छे मार्जिन से आउट परफॉर्म किया जाए, तो ऑब्वियसली हम लोग इंडेक्स में नहीं इन्वेस्ट करते हैं, पूरी अपना पूरा जोर लगाते हैं, पूरी मेहनत लगाते हैं ऐसी कंपनीज को आइडेंटिफाई करने के लिए जो इंडेक्स से बेहतर या एवरेज मार्केट से बेहतर करेंगे। तो अगर तो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 11-12% है तो इक्विटी पोर्टफोलियोज का ग्रोथ मेरे ख्याल में 14-15% के ऊपर हो सकता है, अज्यूमिंग ये जीडीपी ग्रोथ का मूवमेंट हमको देखने को मिलता है। तो मेरा भी यही मानना है जो आप बता रहे हैं, जैसा चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने डायरेक्शन दिया है, सारे के सारे इंडिकेटर्स, अगर आप ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ देखते हैं, एक्सपोर्ट्स का ग्रोथ देखते हैं, अगर आप केपेक्स, गवर्नमेंट केपेक्स, पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइवेट सेक्टर केपेक्स, कंजम्पशन, काफी सारे इंडिकेटर्स ये बताते हैं कि एक नई साइकिल की शुरुआत यहाँ से हो सकती है। जी आशीष, ये आपने सही कहा। तो इस लिहाज से कौन से स्पेस में आपका कन्विक्शन सबसे ज़्यादा है, जहाँ पर कंपनीज इंडेक्स को सस्टेनेबल बेसिस पर आउट परफॉर्म करने की स्थिति में इस समय लग रही हो आपको? तो हमारे पोर्टफोलियो में लिटरली हर सेक्टर में पैसा लगा हुआ है, तो ऐसा कोई टॉप डाउन ये सेक्टर अच्छा है ये सेक्टर खराब है इस तरीके का हमारा मानना नहीं है। आमतौर पे खराब से खराब सेक्टर में भी अच्छी कंपनी मिल सकती है और अच्छे सेक्टर में भी खराब कंपनियां होती हैं, तो ये ध्यान में रखते हुए हमारा पोर्टफोलियो लिटरली हर सेक्टर में इन्वेस्ट करता है, हर सेक्टर में और हर मार्केट कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, तो एक मल्टी सेक्टर मल्टी कैप तरीके का पोर्टफोलियो हम आमतौर पे मैनेज करते हैं। लेकिन क्योंकि आपका सवाल सेक्टर्स को लेकर के है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से अगर आप देखें तो पूरी की पूरी जो बैंकिंग सेक्टर है, अगर आप ग्रॉस एनपीएस का ट्रेंड देखें, प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो देखें, तो 2003-04 से लेकर के 2010-12 के साइकिल में ये हुआ था कि 2002-03 का भी जो साइकिल है, हमने शुरुआत की थी 14-15% ग्रॉस एनपीए लेवल से, और वहां से लेकर के जब इकोनॉमिक रिकवरी हुई तो ग्रॉस एनपीएस 2% के लेवल तक आ गए थे। अभी थोड़े समय पहले फिर से हमने 10-12% ग्रॉस एनपीएल देखा, और जस्ट पिछले 2 साल में ग्रॉस एनपीएल में डिक्लाइन की शुरुआत हुई है। तो एनपीए में इकोनॉमिक रिकवरी से, जैसे मैं काफी रिटेल इन्वेस्टर से बात करता हूँ, एनपीएस का नाम आते ही इनको ऐसा लगता है कि सारे के सारे फ्रॉड है। एक्चुअली ऐसा नहीं है, 5-10% शायद फ्रॉड होते होंगे, लेकिन काफी सारे एनपीएस जो होते हैं एक तरीके से आप जिसको बोलते हैं ये जेन्युइन भी हो सकते हैं। इकोनॉमिक रिकवरी की वजह से एनपीएस में डिक्लाइन भी आ सकता है, क्रेडिट ऑफ टेक भी बढ़ता है, उससे भी ग्रॉस एनपीएस डिक्लाइन हो सकते हैं। और पिछले थोड़े महीनों में बैंक्स ने काफी अंडर परफॉर्म भी किया है, तो फर्स्ट मुझे ऐसा लगता है कि बैंक्स जो है,
एनी विच वे ये लार्जेस्ट सेक्टर है अपने पोर्टफोलियो में, 30-35% वेटेज होता है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज का। और किसी भी तरीके की इकोनॉमिक रिकवरी की अगर हम बात कर रहे हैं तो बैंक्स का डेफिनेटली पार्टिसिपेट करना और बेनिफिट करना इसमें आवश्यक है। दूसरा, अगर आप देखें तो जैसे हमारे पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा कंपनियां नहीं है क्योंकि गवर्नेंस की कंसर्न रहती है, लेकिन रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है जहां पे हमको दिख रहा है कि काफ़ी सालों बाद इकोनॉमिक रिकवरी की वजह से इन्वेंट्री ऑफ टेक और फाइनेंशियल पोजीशन इम्प्रूव होती नज़र आ रही है। तीसरा, अगर आप देखें IT, ITES में जैसे डिजिटल स्पेस है, तो कई सारे सेक्टर है, कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी है जैसे, सो कई सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पे आगे जा करके ट्रैक्शन नज़र आता है। आशीष, एक क्विक लास्ट सवाल। आपका एक पोर्शन FII फंड भी है जहां पे आप उनको एडवाइस करते हैं, और आप ओवरसीज इन्वेस्टर्स, उनसे बातचीत में आपको क्या लग रहा है? उनकी विजिबिलिटी है इंडियन मार्केट्स में 5-7 साल की? किस तरह से वो देख रहे हैं, किस तरह क्वेश्चंस वो आपसे पूछते हैं जब आप बातचीत कर रहे हैं उनसे रिसेंटली? जी, सो अजय, जैसा मैंने पहले बताया, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो काफ़ी भारी FII सेलिंग है, ये ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट्स को लेकर के, जैसे डॉलर स्ट्रांग होता है तो इमर्जिंग मार्केट्स में वीकनेस आती है, इस तरीके की जो चीज़ें होती है मैक्रो को लेकर के, ज़्यादा इस पे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन इस तरीके के कोरिलेशंस कभी कभी देखने को मिलते हैं हमको। तो बात यह है कि ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट्स को लेकर के, या रिस्क ऑफ ट्रेड होने की वजह से, या फेड के टेपरिंग की आशंका की वजह से, जब इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकलता है उसकी वजह से शायद थोड़ा बहुत पैसा इंडिया से निकला होगा। लेकिन चूंकि हम इंडिया डेडिकेटेड फंड है, तो हम ये बता सकते हैं कि जैसे हम लोगों को कंटिन्यूअसली पॉजिटिव अट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, और किस तरीके के सवाल काफ़ी, जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स से जो मुझे मौका मिला है इंटरेक्शन करने का, चाहे वो प्राइवेट बैंकर्स हों, फैमिली ऑफिसेज हों, तो सबके रेडार पे अगले साल 2 साल के लिए सबके रेडार पे ये है कि इंडिया में एलोकेशन किया जाए, और काफ़ी पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस है इंडिया को लेकर के कंपेयर टू अदर इमर्जिंग मार्केट्स। ऑल राइट आशीष, बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे शो पे आने के लिए और हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। ये आशीष सुमाया, CEO of White Oak Capital।